20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ। क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। रविवार को कान्हा फाउंडेशन के नेतृत्व में साकेत नगर स्थित मूर्तिकारों की बस्ती में गरीब बच्चों को कराया गया मनोरंजन कार्यक्रम। बताते चले, कान्हा फाउंडेशन द्वारा साकेत नगर स्थित मूर्तिकारों की गरीब बस्ती के बच्चों को प्रत्येक रविवार को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। संस्था द्वारा बच्चों को समय समय पर पेन पेंसिल किताब कापी भी वितरित की जाती है। इसी क्रम में रविवार को सुबह 9:30 बजे गरीब बस्ती के बच्चों को भीषण गर्मी में स्विमिंग पूल बनाकर संस्था के पदाधिकारियों ने मनोरंजन कराया। इस बीच डीजे के छाप पर बच्चों ने मनोरंजन करते हुए स्विमिंग पूल का आनंद लिया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर रचना पांडे, उपाध्यक्ष सचिन जैन, राजीव जैन, कीर्ति कार्तिकेय पांडे, अनुराग द्विवेदी सहित संस्था के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर रचना पांडे कान्हा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं हर संडे को और सैटरडे को। बच्चों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो कहीं जा नहीं पाते, कहीं घूम पाते, तो मैंने ये सोचा कि आज इन बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल करके और उसमें पानी वानी भर के इनके लिए कुछ स्नैक्स करके, तो आज ये पूरा उसका स्विमिंग पूल जा नहीं सकते तो यहाँ पर उनको उसका हम आनंद तो दे ही सकते हैं। तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे आज किया गया। संस्था द्वारा और क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? ये बेसिकली तो एजुकेशन के लिए है कि हर बच्चे को एजुकेशन का, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनको राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, राइट चाहे वो जिस भी वर्ग समुदाय के हों, तो बेसिकली तो ये है। बाकी हम लोग वृद्धा आश्रम भी जाते हैं, वहाँ पर जो त्यौहारों में जो वृद्ध अपने आप को लोनी फील करते हैं उनके लिए जाकर के वहाँ कपड़े मिठाई, और इस बार होली में कहते तो गुलाल दीपावली में जाकर के वहाँ को मिठाई कपड़े, ताकि उनको भी लगे कि कोई है कहीं जो उनके लिए भी सोचता है इस तरीके की। जैन, उपाध्यक्ष कान्हा फाउंडेशन। क्या कार्यक्रम किया गया? हम लोग हर रविवार को, जैसा कि अभी हमारी अध्यक्षा जी ने भी बताया कि हम लोग प्रत्येक रविवार को यहाँ पर बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने मंदिर में पढ़ाई शुरू करी है बच्चों की, क्योंकि अभी यहाँ पर बाजार वगैरह लग रहा है पीछे, तो इन लोगों की जो है जो भी घर हैं वो तोड़ दिए गए हैं अभी फिलहाल, तो ये लोग जैसे भी रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ ने मंदिर में हम लोगों ने पढ़ाई शुरू करी बच्चों की। और आज काफ़ी गर्मी की वजह से, भीषण गर्मी की तपन की वजह से बच्चों ने भी इच्छा जाहिर करी थी, तो आज हम लोगों ने किया कार्यक्रम इन लोगों का मनोरंजन कार्यक्रम कि बच्चों को एक स्विमिंग पूल में और एक भीषण गर्मी में उन लोगों को कम से कम निजात मिल सके। 20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ। क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ।